सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ। परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बीते कुछ समय विच साडे देश विच कई भयानक बीमारियां दे हमले होंदे रहे हन। उन्हां बीमारियां विच प्लेग दी ऐसी नामुराद बीमारी एक बार फैली सी, जिसका असर पंजाब दी धरती ते भी बहुत वड्डा होया सी। उन्हां समयां विच अंग्रेज़ां दा राज सी। एक परिवार श्री अमृतसर साहिब चिंतपुरनी महल्ले विच रहण वाला प्लेग दा ऐसा शिकार होया कि उस परिवार दे एक एक दो दो करके सारे जी मृत्यु नूं प्राप्त हो गए। केवल एक बीबी बची जिसका नाम शरणजीत कौर सी। जिस घर विच व्याही सी वह भी सारा परिवार प्लेग दा शिकार हो गया। सहुरे परिवार चों कोई ना बचया ते ना ही पेके परिवार विचों कोई बचया। इतने संघने संसार विच यह बीबी इकली रह गई। इसनू बच्चा पैदा होण वाला सी। कदे अपने होण वाले बच्चे दे भविख बारे सोचदी, कदे अपने ते पई हुई बिपता बारे कई तरह दीआं गल्लां चितवदी रहिंदी। बच्चा पैदा होण वेले किसे दाई आदि सहायता बिना मिलदी देख के एक परमेशर दा आसरा तक्या। श्री सुखमणी साहब दे पाठ जितने कर सकती सी उसने कीते। बेनती करती रहिंदी कि जिवें प्रहलाद ते द्रौपदी दी रक्षा कीती उस तरह मेरी भी तुसी रक्षा करो। यह विश्वास कीता, मैं सब किस छोड़ प्रभ तू ही त्याया। एक रात अचानक दरवाजा खड़किया। बीबी ने पूछा कौन है, ता आवाज़ आई, बेटा मैं तेरा चाचा हाँ, तेरी सहायता करन लई आया हाँ। बीबी ने दरवाजा खोलिया। डुबदे नूं तिनके दा सहारा हुंदा है। उसने कहा, बेटा तू बहुत छोटी सी जदों दा मैं विछड़िया हाँ, हुण पता लगे तो आया हाँ कि मेरे भरा दा सारा परिवार प्लेग नाल मर गया है। एक तू ही बची है। यह बिपता दे दिन इकले इकले रह के कटण दे नहीं, चाचे दा घर भी बाप दा घर ही हुंदा है। जदों चाचे नाल पौड़ियां उतरन लगी तां पौड़ियां विच खड़े बदमाशा ने एक कपड़ा जिसनों कुछ ऐसा पदार्थ लग्या होया सी सुंघा दिता ते तुरंत बेहोश करके मंजे उत्ते पा के चाटी विंड शमशान भूमि विच राम नाम सत कहिंदे ज्योंदी नूं ही फुकण लै चले। काली काली शमशान भूमि वाले बावे तो लकड़ा लै के चिखा विच रख के अग ला के वापस मुड़ आए। अचानक आकाश विच एक ऐसी बदली चढ़ के आई कि मूले धार वर्खा जो बहुत थोड़े एरिए विच पई सी उसने चिखा नूं अग लगदी लगदी जो अजे कपड़े तक नहीं सी पहुंची बुझा दित्ती। राम दे समय दो भरा घुमियार सुल्तान पिंड जा रहे सन। कन्ना विच बच्चे दे रोण दी आवाज़ सुनी। उस आवाज़ दी सेध चिखा कोल पहुंचे। आवाज़ चिखा दे विचों आ रही सी कि एक भरा चिखा कोल खड़िया, दूजा पुलिस लैके आ गया। नाल ही डाक्टरां दी गड्डी आई। चिखा फोड़ के जदों देखिया एक बच्चा जिसने थोड़ा समा पहला जन्म लिया सी, जिसनों माँ ने बेहोशी विच ही जन्म दिता सी। हस्पताल विच लिजा के डाक्टरां दी सख्त मेहनत दा सदका परमेशर दी कृपा नाल उस बीबी नूं होश परती। जो उसने बयान दिते वह पुलिस रिकॉर्ड विच अज तक मौजूद हन। जिसका भाव इस शब्द विच आ चुका है, मैं सब किस छोड़
प्रभ तू ही त्याया। दोषियों की भाल करन तो चारे दोषी शराब पींदे फड़े गए। यह सब कुछ सके चाचे ने भरा की जायदाद संभालने लई कीता सी। सरकार दे फैसले अनुसार चारा नू सजाए मौत हो गई। बीबी का यह पुत्र पिरथी सिंह नाम करके बड़ा मशहूर व्यक्ति होया। सो ये सब कुछ परमेश्वर की शरण आने का फल है। प्रहलाद की तरह जेड़ा भी शरण आया तो परमेश्वर ने प्रहलाद की तरह उसकी रक्षा की है। सरण परे सेई जन उभरे ज्यों प्रहलाद उधार समैया। जो उस वाहिगुरु की सरण विच पए हैं उही पुरश संसार के दुखों तो बच गए हैं। जिमें प्रहलाद भगत नू उसका उधार करके अपने विच अभेद कर लिया है। कहे कबीर को लखै ना पार, प्रहलाद उधारे अनेक बार। कबीर जी आखते हैं कि कोई जीव उस प्रभु की ताकत का अंत नहीं पा सकता, कोई भी स्वामी दे ओड़क नू नहीं जान सकता। प्रहलाद नू परमात्मा ने अनेकां कष्टों तो बचाया है। उसने प्रहलाद वर्गे संतां दा अनेकां दफा पार उतारा कीता है। प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे किरपा धारी। पर नारायण प्रभु आप ही अहंकारियां दा अहंकार दूर करन वाला है। व्यापक मालक परमात्मा अहंकार नू नाश करन हार है। उसने मेहर कीती ते प्रहलाद दी रक्षा कीती ते हरनाकश दा मान तोड़िया। साई ने अपनी मेहर कीती अते प्रहलाद नू बचा लिया। इस तरह एक होर शब्द विच सरनागत प्रहलाद जन आए, तिन की पैज सवारी, अलख निरंजन एको वर्ता, एका ज्योत मुरारी। प्रहलाद आदक जेड़े जेड़े भगत परमात्मा की शरण आए, परमात्मा उन्हां दी इज्जत बचांदा रहा। सारे जगत विच एक अदृष्ट ते निर्लेप परमात्मा ही वास रहा है। सारे संसार विच परमात्मा का ही नूर प्रकाश रहा है। केवल अदृष्ट अते पवित्र प्रभु का एक प्रकाश ही हर थां रव रहा है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। प्रहलाद रखी हर पैज आप, वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज। वाहिगुरु ने आपे ही प्रहलाद दी लज्जा रखी। दुर्योधन दी सभा विच द्रौपदी नू नगन करन लई जदों द्रौपदी दे वस्त्र लाहे जा रहे सन, तदों कृष्ण जी ने द्रौपदी दी इज्जत बचाई। स्वामी ने द्रौपदी दी इज्जत बचा ली। सो साह संगत जी, जड़ा महामारी विच परमात्मा दी आराधना करता है अते उसका जाप करता है, उसनू कोई भी संकट पौ नहीं सकता अते दुखां कलेशां तो बचा रहिंदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।